After discussing the latitudinal and longitudinal extension of India and India and its neighboring countries, after studying the coastal boundaries of India, today we'll be discussing about other facts which are related to India. In this table, we can see some facts about India, like the north and south extension of India, जो कि 3,214 किलोमीटर है इंदिरा कोल इन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक. पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की है 2,933 किलोमीटर से लेकर, जो कि स्टार्ट होती है रन ऑफ कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक. मेन कोस्ट लाइन की लंबाई है 6,100 किलोमीटर और तट रेखा जिसके अंदर हम भारतीय द्वीप समूह को भी सम्मिलित कर लेते हैं उनकी लंबाई हो जाती है 7,517 किलोमीटर, जो कि 4,671 मील के बराबर है. उसी तरह से भारत का लैंड फ्रंटियर है 15,200 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 9,445 माइल्स. नदरमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि काराकोरम रेंज के अंदर स्थित है. सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में था. एंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया इज K2 गॉडविन ऑस्टिन. लोएस्ट एल्टीट्यूड इज फाउंड इन केरला, दैट इज कोटानड. टेरिटोरियल सी की लंबाई जिसमें भारत की शिप्स आराम से इजीली मछुआरे जहां तक जा सकते हैं, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स. कॉन्फिगरेंट जोन ऑफ इंडिया इज 24 नॉटिकल माइल. इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया की लेंथ फ्रॉम कोस्टल बाउंड्री इज 200 नॉटिकल माइल. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज वेस्ट ऑफ गौरमाता इन गुजरात. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इज किबितु. भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर. स्मॉलेस्ट स्टेट यानी भारत का सबसे छोटा स्टेट है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर. लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी भारत की है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि कवर करता है 8,249 वर्ग किलोमीटर. स्मॉलेस्ट टेरिटरी है लक्षद्वीप, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है. अब हम बात करेंगे कि भारत को सब कॉन्टिनेंट का दर्जा क्यों दिया गया है. प्रोफेसर शियोल ने भारत को सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया था. उसके बाद प्रोफेसर जी बी क्रेसी ने कहा कि इंडिया में बी टर्म्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यूनिट विद मैनी फिजिकल एंड कल्चरल यूनिट्स. भारत के अंदर इतना ज्यादा बहुत फिजिकल एंड कल्चरल डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से हम इसे एक सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं. इनको हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके तहत हम ये नाम उसको भारत को देते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के एरिया की. तो इंडिया का एरिया बहुत बड़ा है, डाइवर्स है चाइना और रशिया की तरह से. फिर उसके बाद इंडिया के अंदर यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ में और उत्तर पूर्व के अंदर. और इंडिया के दक्षिण के अंदर है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और जो उसे ज्योग्राफिकल यूनिट डिफाइन करते हैं. साउथ ऑफ हिमालय इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स हैं, जो कि साउथ एशिया के अंदर एक डिफरेंट रियलम एस्टैब्लिश करते हैं. इंडिया सदर्न साउथ एशिया के अंदर 3/4 एरिया कवर करता है. उसके बाद भारत के दूसरे विस्तार के बारे में बात करेंगे तो लैंड मासेस के अंदर बहुत डाइवर्सिफिकेशन है. नॉर्थ के अंदर लॉफ्टी हिमालयस है, साउथ के अंदर उसके हिमालय के साउथ के अंदर है ग्रेट गंजाटिक प्लेन, उसके अलावा थार का मरुस्थल है. सदर्न इंडिया की बात करेंगे तो वहां पर पेनिनसुला प्रायद्वीपीय स्थिति भारत की,
उसको दो प्रमुख उपभागों में बांट देती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके अलावा भारत के अंदर वर्षा बहुत होती है, सनशाइन भी बहुत होती है, विंटर्स भी बहुत तीव्र पाए जाते हैं। इसी के हिसाब से इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग टू इंडिया। द स्टेट्स दैट लाई कंप्लीटली इन हिमालयस, हिमालय के अंदर जो राज्य पूर्णतः पाए जाते हैं वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नेक्स्ट, वो स्टेट्स जो कि ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़ एंड दिल्ली। फिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार को बनाते हैं, उनमें प्रमुखतः आते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का राज्य है जो कि 8 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, प्रमुखतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। असम ऐसा राज्य है भारत का जो कि 7 राज्यों की सीमा को छूता है, उनमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को ब्रेक करता है। 9 डिग्री चैनल कवरावती और मिनिकॉय आइलैंड के मध्य पाई जाती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को अलग करती है। ग्रेट चैनल इंडिया और इंडोनेशिया को बांटती है। पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य पाई जाती है। कोको स्ट्रेट, कोको आइलैंड जो कि म्यांमार के आइलैंड है, और नॉर्थ अंडमान भारत को अलग अलग करती है। भारत के अंदर 2 बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं, उनमें सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये 349 द्वीपों से मिलकर बना है और इसके अंदर सबसे बड़ा है मिडिल अंडमान। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी अंडमान के बीच में पाए जाते हैं और इनकी टेरिटरी जो है वो 150 किलोमीटर इंडोनेशिया से दूर है। थाईलैंड और म्यांमार, इन दोनों को अंडमान सी सेपरेट करता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर 2 प्रमुख द्वीप समूह पाए जाते हैं जो जाने जाते हैं अंडमान आइलैंड के नाम से और निकोबार आइलैंड के नाम से, और इन दोनों को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके उत्तर में है अंडमान द्वीप समूह और इसके दक्षिण में है निकोबार द्वीप समूह। अंडमान आइलैंड्स को हिमालय का एक एक्सटेंशन माना जाता है और इसकी हाईएस्ट पीक है सैडल पीक जो कि 737 मीटर्स ऊंची है। निकोबार आइलैंड के अंदर निकोबार द्वीप समूह के अंदर 19 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं और इसके अंदर लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार और ये एक वॉल्केनिक ओरिजिन वाला द्वीप है यानी कि ज्वालामुखी द्वीप माना जाता है। ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट आइलैंड है और ये 147 किलोमीटर है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से। वॉल्केनिक आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के अंदर बैरन एंड नारकोडमन आइलैंड जो है उनको वॉल्केनिक इरप्शन वाले आइलैंड्स माना जाता है और इसमें बैरन आइलैंड जो है उसको इरप्ट हुए 200 ईयर्स हो गए यानी कि ये डॉर्मेंट वॉल्केनोस की सीरीज के अंदर आता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड 200 से
440 किलोमीटर साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से पाए जाते हैं एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका सरफेस एरिया जो है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसका जो मेन एयरपोर्ट जो कनेक्ट करता है वो है अगाती आइलैंड के अंदर। लक्षद्वीप के अंदर 36 आइलैंड हैं और उनमें से 11 जो है वो इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं और उनमें से भी 9 आइलैंड जो है वो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स के अंदर आते हैं, जिसमें से अंद्रोथ, अमानी, अगाती, चेपाती, काठमांड प्रमुख तौर पर जाने जाते हैं। द टू अदर आइलैंड्स बित्रा एंड बंगारम, ये इनके अंदर पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। लैंड एरिया बहुत स्मॉल है इस एरिया का और टेरिटोरियल वाटर की जो डिस्टेंस है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। दे हैव एन एसेस ऑफ 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इकोनॉमिक जोन ऑफ द कंट्री और ये फ्रेजाइल आइलैंड्स हैं और इनके अंदर फिशरी, एग्रीकल्चर, कोकोनट स्पेशली एंड टूरिस्ट सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शंस इस आइलैंड के हैं।